नमस्ते और आपका स्वागत है सिक्स चैंपियंस टियरे बेलग्रिन द्वारा पायरोनियन स्केच रेखा चित्र संशयवादी सिद्धांत का सारांश है। तर्क और नैतिकता में वो जेनो या क्राइसिपस के विरोधी है। संशयवादी खुद को होम सात संतों और जेनो फैंस एम्पेडोकल्स हेरालिटस और हिप्पोक्रेट्स को पूर्वजों के रूप में कहते हैं। राय अस्थिर है और चीजों की सच्चाई हमसे बच जाती है। पायरों ज्ञान की बहुत संभावना है। 3-6-5 BC में पैदा हुए पायरों ने कभी कुछ नहीं लिखा और न ही कभी पढ़ाया। पायरों का लक्ष्य नैतिक है। यह खुशी है जिसे केवल बाहरी दुनिया के मूल्यों के प्रति उदासीनता के दृष्टिकोण से प्राप्त किया जा सकता है। कार्रवाई में दर्शन अपने जीवन के बहुत उदाहरण से कि उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। पायरोन ने जिम्नोसोफिस्टों से मुलाकात की, नग्न सोफिस्ट निर्वाण के अनुयायी। बाहरी दुनिया के प्रति उदासीनता, वो एक साफ सुथरा जीवन व्यतीत करता है, जानवरों को पालता है और उन्हें बाजार में बेचता है और महायाजक बन जाता है। सामाजिक खेल के नियमों को उदासीनता की पराकाष्ठा के रूप में स्वीकार करना। दार्शनिकों के बीच पायरो का सम्मान, किसी ने उसका तिरस्कार नहीं किया और एपिकूर्स ने उसकी खबर मांगी। ज्ञान की संभावना के बारे में कट्टरपंथी सवाल, टिमन द फिलियन थे तत्काल और उत्साही शिष्य। पायरों के लिए चीजें समान रूप से उदासीन हैं और उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अनिर्णीत, हमारी राय न तो सत्य है और न ही झूठी है और इसलिए राय पर भरोसा नहीं करते हैं और हमें झुकाव के बिना अधिक होना चाहिए। चीजें मायावी हैं। एक बार चीजों की उदासीन स्थिति में हम मूर्खता या रहस्यमय चुप्पी नहीं बल्कि भाषा के सभी मुखर उपयोग के निलंबन पर वाचाघात तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार ऋषि को गति भंग, कष्ट से मुक्ति, सुख की प्राप्ति होगी। पियरोन उसके साथ वर्षों तक रहा। यदि सिनोप के डायोजनीज में टिमोन होता तो निंदक और संशयवाद का एक तुलनीय भाग्य होता। आर्सिसिलोस, कोई भी किसी भी प्रतिज्ञान के विपरीत एक विपरीत प्रतिज्ञान रख सकता है ताकि ऋषि किसी भी बात का उच्चारण न करे। सामान्य सामाजिक जीवन के नियमों के पालन के आधार पर एक सामान्य अस्तित्व का नेतृत्व करते हुए संदेहवादी एक राय के बिना जीवित रहेगा। उन चीजों में प्रभाव का मॉडरेशन जो खुद को हम पर थोपते हैं, बिना वादा किए आशा को अनुमति दे, तभी विपरीतताओं को गले लगा ले। कारण सिद्धांत शांति प्राप्त करने की आशा है। अस्पष्ट चीजों के लिए कोई सहमति नहीं। सभी चीजें अनिश्चित हैं। ऐसा लगता है कि विरोधी एक ही चीज के हैं। मैं कुछ भी निर्धारित नहीं करता। संशयवादी हर उस चीज को खारिज कर देता है जो कहा जाता है। सत्य सरल है। सत्य कई सत्य बातों के ज्ञान से बनता है। सत्य एक ही ऋषि में है। संशयवादी देवताओं पर विश्वास कर सकेंगे। पारहोन एक पुजारी थे। संशयवादी के लिए जीने की कला जैसी कोई चीज नहीं होती। विवेक एक गुण है और यह कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही सद्गुण के अधिकारी होता है। कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। संदेहवादी मानवता से प्यार करता है। संशय का अंत सुख, संवेदनहीनता परेशानी का अभाव है। सेक्स्ट के लिए शांति सहमति के निलंबन, पीड़ा की निरंतर अनुपस्थिति और आत्मा की शांति का अनुसरण करती है। संशयवादी शब्द के सामान्य अर्थों में एक विद्यालय नहीं बनाते हैं, लेकिन एक संस्थापक गुरु के सिद्धांत का पालन करते हैं। संदेहवादी होना सिद्धांत के बजाय आचरण का विषय है।